हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आज से इस चैनल में जॉब अपडेट्स आएगा फॉर डिप्लोमा बीटेक एंड अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप डिप्लोमा बीटेक एंड अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। आगे बहुत सारा नोटिफिकेशन आने वाला है, जो भी अपडेट आएगा जॉब के रिलेटेड आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। ओके, तो आज का जो अपडेट है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आया हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हो IOCL, तो IOCL ने एक पाइपलाइंस डिवीजन फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ओर से एक अप्रेंटिस निकाला है जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। एंड प्लस पॉइंट यही है कि इसका अंदर कोई भी एप्लीकेशन फी आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, प्लीज लास्ट तक देखना। तो मेरा नाम है उत्तम, आप देख रहे हो डिजिटल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो ये जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 30 अक्टूबर में आया था। आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था अप्रेंटिसिस का वो 30 अक्टूबर पे आया है। 31 अक्टूबर आज है, तो मैं आज को वीडियो बना रहा हूँ, ओके, सबसे पहले आप लोगों को दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए एक थम्स अप होना चाहिए। ओके, तो नीचे आप लोग देख सकते हो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट है 22 नवंबर। ओके, एंड ये एक अप्रेंटिस में, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना। ओके, और इस एप्लीकेशन को सारे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स भर सकते हो। आप लोग देख सकते हो लोकेशन टेंटेटिव नंबर्स ऑफ सीट एंड रिजर्वेशन, तो सीट अवेलेबल है आप लोग देख सकते हो। इसमें स्टेट, ट्रेड, पोस्ट कोड, टोटल सीट, ओके, एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया लिखा है। इसमें देखो स्टेट वाइज दिया हुआ है। ओके, ये गुजरात टोटल, राजस्थान टोटल, ओके, उसके बाद वेस्ट बंगाल। आप लोग देख सकते हो इसमें जो येलो कलर से हाईलाइट किया है उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सारे आप लोग नीचे देखोगे येलो कलर से हाईलाइट होगा उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी आप लोग ध्यान से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये 6 जो ब्रांच अवेलेबल है। टोटल सीट है 44, ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, नीचे आप लोग देख सकते हो सारे स्टेट दिया हुआ है, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओके, टोटल। तो इसमें आप लोग देख सकते हो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इसमें बोला गया है कि ऊपर जो मेंशन किया है सारे सीट, वो सीट चेंज हो सकते हैं, वो टेंटेटिव है। अगर चेंज होता है तो आप लोग को बता दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। और जो आपका अप्लाई कब से करोगे, अप्लाई स्टार्ट होगा 4 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगा। कहाँ करोगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो PILIS.IndiaOilPipelines.in, इसमें आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो एप्लीकेशन डेट अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा तब जाके आप लोग अप्लाई कर देना। एंड सबसे लास्ट पॉइंट यही है कि कोई एप्लीकेशन भी आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन है, तो इसके लिए मैं फेस कैम नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इसमें देखो आप लोग ट्रेड एंड डिसिप्लिन लिखा है, तो ट्रेड लिखा है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, तो इसमें आप लोग अच्छे से क्वालिफिकेशन को देख लो। इसमें अगर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा होता है एंड 2 इयर्स डिप्लोमा होता है, यानी 2 इयर्स का मतलब क्या होता है, अगर आप वोकेशनल या ITI से डिप्लोमा कर रहे हो, यानी डायरेक्ट सेकेंडरी लेटरल एडमिशन लिए हो, तो आप एलिजिबल हो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप फॉर इलेक्ट्रिकल सेम क्राइटेरिया, अगर आप 3 इयर्स या 2 इयर्स डिप्लोमा कर रहे हो तो आप लोगों को एलिजिबल है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। नीचे आप लोग देख सकते हो टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें 6 ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो 3 इयर्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है देखो ट्रेड अप्रेंटिसिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसके अंदर आप लोग ग्रेजुएशन होना पड़ेगा फुल टाइम फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, ओके। ट्रेड अप्रेंटिसिस फॉर अकाउंट, जैसे फुल टाइम आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए फॉर कॉमर्स, इन कॉमर्स में, ठीक, कॉमर्स में आप लोग बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आप लोग 12 पास होना होगा बट ग्रेजुएशन के नीचे होना चाहिए, ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएट के नीचे होना चाहिए बट 12 पास होना चाहिए, ओके। नीचे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसमें भी सेम 12 प्लस मिनिमम होना चाहिए एंड बिलो ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के नीचे होना चाहिए, ठीक है। नीचे आपको डिप्लोमा कितने परसेंट होना चाहिए, डिप्लोमा में आपको मिनिमम 50% रखना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड SC ST PWBD के लिए आपको 45% मार्क्स रखना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें अगर आपको डिप्लोमा में बीटेक होता है, डिग्री इन इंजीनियरिंग MBA, PGDMA, MCA, LLB, CA, ICWA, मास्टर्स होगा, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, ओके। तो नीचे आप लोग आते हो, नीचे देखोगे एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया क्या है, आपको 18 से 24 साल होना चाहिए एज ऑन 30 अक्टूबर तक, ठीक है। ड्यूरेशन होगा अप्रेंटिसशिप का, ड्यूरेशन कितना है, जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है वो 1 ईयर,
ट्रेड एंड अप्रेंटिस है वो 1 ईयर, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है वो 15 मंथ होगा, ठीक है। एंड स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, स्टाइपेंड होगा वो रूल्स के मुताबिक जो गाइडलाइंस में लिखा है वही होगा, ठीक है। नीचे आते कॉन्सेशन एंड रिलैक्सेशन, जो आपको कॉन्सेशन मिलेगा यानी एस सी एस टी अगर होता है तो आपको 5 ईयर्स कॉन्सेशन मिलेगा एज में, एंड ओबीसी अगर होता है तो 3 ईयर्स का कॉन्सेशन मिलेगा एज में, एंड पीडब्ल्यूडी अगर होता है तो 10 ईयर्स का कॉन्सेशन मिलेगा एज में, ठीक है। नीचे आप लोग आ जाओ, आप बाकी सब पढ़ लेना नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिलेक्शन मेथोलॉजी क्या होगा, सिलेक्शन देखो एक रिटर्न टेस्ट होगा, ओके। रिटर्न टेस्ट में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, एक ही सही होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन में एक अगर ठीक करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। एंड नीचे आप लोग देखो फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस का आपको कितना होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 75 आएगा आपका डिप्लोमा लेवल में जो अभी पढ़े हो वो 75 आएगा, एंड 25 क्वेश्चन होगा जनरल एप्टीट्यूड यानी जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जीके के ऊपर, ओके ये सब आएगा। फॉर ट्रेड अप्रेंटिस सेम वही है, एंड नीचे आप लोग जो दोनों में बताया जो फॉर ट्रेड अप्रेंटिस एंड डेटा एंट्री जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा लगे, जो 100 टाइप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल मेथड्स यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के ऊपर होगा, ठीक है। नीचे आते ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर मिलेगा आपको रिटर्न टेस्ट में, 2 आवर मिलेगा रिटर्न टेस्ट में, ओके। क्वेश्चन पेपर टेस्ट आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है। जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 40% होगा, अगर आप रिटर्न टेस्ट में 40% ले आते हो तो आप क्वालिफाइंग हो, अगर नीचे आते हो तो आप क्वालिफाइंग नहीं हो, ठीक है। एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए कॉन्सेशन दिया हुआ है, 5% आप लोगों को रिलैक्स्ड मिलेगा, ठीक है। नीचे आप लोग देखोगे फाइनल सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट मार्क्स एज पर मेरिट, तो जो भी आपको रिटर्न टेस्ट में मिलेगा मार्क्स उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ये सब आप लोग पढ़ लेना अच्छे से क्या लिखा है इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है तो मैं इसके लिए नहीं बताया, ओके। और इसमें जो दिया हुआ है उसको आपका फिजिकली फिटनेस होना चाहिए, तो इसके लिए ये जो वेबसाइट दिया हुआ है उस वेबसाइट में जाके आप लोग प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसको आपको रखना चाहिए, उसको सर्टिफिकेट आपको रखना चाहिए। एंड जनरल कैंडिडेट्स, इसमें लिखा है कि ये जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और जो एज एंड क्वालिफिकेशन यानी आपका अगर 30 अक्टूबर में डिप्लोमा का रिजल्ट निकल जाता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर एज उसके अंदर आता है 30 अक्टूबर में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो आपको एडमिट कार्ड आपके ईमेल में जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए वो सबको नहीं जाएगा, वो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा यानी मार्क्स बेसिस पर शॉर्ट लिस्टेड होगा, तो मार्क्स बेसिस पर अगर आप क्वालिफाई होते हो तो ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तब जाके आप लोग रिटर्न टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ये लिखा है, नीचे एकदम चले आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और आपके पास जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ओके। तो और अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड के साथ ये नहीं होगा यानी आईडी प्रूफ नहीं होगा तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ओके। तो ये साफ साफ इसमें लिखा है। एंड अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी से बिलोंग करते हो एंड रिजर्व कैटेगरी से कैटेगरी अप्लाई करते हो तो आपको एंड रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नीचे आप आते कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑन ओनली ट्रेड, मैंने एक ही ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दूसरे अदर ट्रेड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ये। और जो आप लोग डिस्टेंस लर्निंग अगर पार्ट टाइम मोड अगर कोई भी कर रहे हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। नीचे आते हैं, तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट बताया गया है कि आप जब एप्लीकेशन को फिल करोगे तो आपको ये करना होगा। फॉर टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए आपको जो इस पोर्टल में जाके mhrdnats.gov.in इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, और फॉर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको जो apprenticeshubindia.org इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर ये दोनों के लिए, ठीक है। तो ये उन लोगों का क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे आपको लिखा है कि साइज, जो आपका जो पिक्चर होगा फोटो होगा वो फोटो का साइज कितना है, ठीक है, 20-50 KB इन JPG फॉर्मेट, सिग्नेचर होना चाहिए 10-30 KB इन JPG फॉर्मेट, ओके। अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई जो आपको दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट का एकदम indianoilpipelines.in इसमें जाके अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का डेट मैं बता दिया हूँ, ठीक है, 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, 22 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे एकदम नीचे लिखा है कुछ भी नहीं है,
ठीक है, जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होगा तो इसमें आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ एटेस्टेड करना होगा, ठीक है। इसमें देखो फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद सेल्फ एटेस्टेड कॉपी, तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिलाकर सारे सेल्फ एटेस्टेड करके क्या क्या लगेगा, 10th पास सर्टिफिकेट लगेगा यानी रिजल्ट लगेगा, STSC OBC जो भी आपका सर्टिफिकेट उसका लगेगा, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्क्सशीट लगेगा, और जो प्री एंगेजमेंट मेडिकल जैसे मैं पहले बताया था ना, जो प्री एंगेजमेंट मेडिकल स्विटनेस सर्टिफिकेट वो लगेगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, एंड एनी अदर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में बताया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 30 अक्टूबर में जारी किया था, आज 31 अक्टूबर है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट होगा 22 नवंबर। ओके, रिटर्न टेस्ट होने वाला है, टेंटेटिव दिया हुआ है वो 6 दिसंबर में होना चाहिए, ठीक है, ये टेंटेटिव चेंज कर सकता है, 6 दिसंबर में रिटर्न टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यही था पूरा केस, और नीचे आप लोग देख सकते हो लिस्ट ऑफ टेंटेटिव लोकेशन इन IOCL वेयर अप्रेंटिसशिप शैल बी एंगेज, तो इसमें सारे लोकेशन दिया हुआ है, सारे स्टेट का लोकेशन दिया है किसमें अप्रेंटिसशिप एंगेज होगा। ओके, तो आप लोग देख लेना पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो चलो टाटा।